पानीपत के समालखा में रिश्तों को कलंकित करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां घर में अकेली पाकर फूफा ने नाबालिग भतीजी को हवस का शिकार बना लिया। वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब 11 साल की मासूम ने आपबीती अपनी मां को बताई, जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस को की। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने मासूम बच्ची का मेडिकल करवाया और आरोपी की तलाश में जुट गई। जी, एक बच्ची को लेके आए थे, 11 साल की है और अभी रेप की पुष्टि तो नहीं हुई, वो तो मधुबन से रिपोर्ट आएगी तभी कंफर्म हो पाएगा। पुलिस ने पूरे मामले में पीड़िता की शिकायत पर आरोपी फूफा पर केस दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमों का गठन कर दिया है, जो लगातार गिरफ्तारी को लेकर दबिश दे रही है। 15-12 को 21 को कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, उस पर केस रजिस्टर कर दिया है। केस रजिस्टर करके और उसके फूफा पर एलिगेशन लगे हैं, उसके टीम गठित करके भेजी हुई है, उसको जल्दी अरेस्ट करेंगे, कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त आरोपी फूफा ने इस वारदात को अंजाम दिया, उस समय घर में और कोई नहीं था। आरोपी ने बच्चे के साथ घिनौना काम करने के बाद जान से मारने की धमकी दी थी, मगर पीड़िता ने हिम्मत दिखाई। अब देखना होगा कि पुलिस आरोपी तक कैसे और कब पहुंच पाती है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।